अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इससे पहले भी हमने कहा था कि छोटी सी बात पर खुश होना अब मुसलमानों की आदत बनती जा रही है। औकाफ की मिल्कियत को लेकर औकाफ तरमीम बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया जा रहा है, लिहाजा इसकी मुखालफत भी की जा रही है। विपक्ष ने भी वक्फ बिल का विरोध किया, लिहाजा इस बिल के लिए JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को तश्कील भी दिया गया। इसमें कुल 31 मेंबर बताए जा रहे हैं। अभी हाल ही में JPC की तीसरी मीटिंग का एहतमाम किए जाने की खबर हासिल है। इसमें विपक्ष के भी लोग शामिल हैं। आज जिस मीटिंग को तलब फरमाया गया था जिसमें कुछ अवामी नुमाइंदे इल्मी माहिरीन को ही मदहु करने की तरह हासिल हुए। भाजपा के MP जगदम्बिका पाल इसके चेयरपर्सन है और इन्हीं की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जिसमें सत्ता और विरोधी पार्टी के मेंबरान को शामिल किया गया। अब अवामी राय को भी वेबसाइट के जरिए यानी कि ऐप के जरिए तलब फरमाया जा रहा है। आज जुमा के रोज कई मस्जिदों से ऐलानात भी किए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के साबिक MP दीप साहब को भी बुलाया गया था। आज जो मीटिंग हुई उसमें इस तरह से लोगों को बुलाए जाने की हमें इत्तला हासिल हुई है और UP राजस्थान के 2 सुन्नी बोर्ड इस मीटिंग में शरीक रहे, इस तरह की भी इत्तला हासिल है। दिगर मुस्लिम तंजीमें इदारों ने भी शिरकत फरमाई थी, ऐसा भी कहा जा रहा। खैर, मस्जिदों से ऐलान किया गया कि वेबसाइट पर जाकर ऐप के जरिए व बोर्ड तरमीम बिल 2024 की मुखालफत की जाए। खैर, एक मुहिम के तौर पर यह तमाम कोशिशें ठीक है, पर क्या इससे हम अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? इससे पहले भी इस तरह की मुहिम चलाई जा चुकी। अगर CA NRC को रोका गया है तो मुसलमानों की मुखालिफत को लेकर या शाहीनबाग जैसी तहरीकों का दबाव यकीनी रहा, लेकिन क्या अदालतों से या इस तरह की कमिटियां कमीशन से भाजपा जैसी फिरकापरस्त पार्टी अपने फैसलों को बदल सकती है? और दूसरी अहम बात यह है कि अगर कितने लोग मुखालिफत में है और कितने हिमायत में है, अगर भाजपा चाहे तो एक तरफा भी इसे साबित कर सकती है, क्योंकि इनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। इनके IT सेल, यहाँ तक कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लिहाजा इनकी साजिशों का मुकाबला मुसलमान इस दौर में कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता। सिर्फ ईमानी कुव्वत पर इनका मुकाबला कर सकते, इतना सही है। अगर NRC CA की बात कही जाए तो अभी 2 दिन पहले किस तरह मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर आसाम में डिटेंशन कैंप में लाया गया, किस तरह से लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सभी ने देखा कि कई बार वजीर दाखला यानी गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में बारहा इसको दोहराया कि NRC किसी हाल में लाकर ही रहेंगे। जैसे हमने ऊपर कहा था कि हमें छोटी सी कामयाबी में खुश होने की आदत होती जा रही है, जब मुसीबत आती है तो सबके सब दस्तावेज तैयार करने में लग जाते हैं, पेपर दिखाना होगा, इस ऐलान पर पेपर को जमा करने की कोशिशें होती रहती है। उस तस्वीर को भी सभी ने देखा है, मस्जिदों गली मोहल्लों में दस्तावेज बनाने की तैयारी भी देखी गई, आवाम की भागदौड़ भी देखी गई। खैर, इसी बहाने दस्तावेज तो ठीक हुए, ये इत्मीनान कह सकते हैं। जिस कदर मुस्लिम समाज डरा सहमा नजर आ रहा है, एक अफसोसनाक पहलू ही कह सकते हैं, शाहीनबाग की तहरीक को कोरोना की आड़ में खत्म किया गया। वही एक और मिसाल यहां देना जरूरी समझूंगा जिसे हम तमाम को जहनशीन करने की जरूरत है। किसानों के 3 काले कानून को लेकर किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया और यह तारीखी एहतजाज रहा। हुकूमत को किस कदर घुटनों पर लाया जा सकता है, इसे बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, पर क्या मुसलमान इस तरह का एहतजाज कर पाएंगे या कर सकते हैं? समाज माशरे में अपना वजूद मनवाना हो तो कुर्बानी जरूरी है। सिख समाज ने एक करके दिखाया, कितने फीसद है हम सभी जानते हैं। पूरे आलम में इसकी चर्चा हुई, पूरा 1 साल 4 महीने 2 दिन तक यह एहतजाज चलता रहा, मकानों को बनाकर वहां पर वो बैठे रहे, 700 किसानों ने इसमें कुर्बानी पेश की। इस किसान एहतजाज से कुछ मुसलमानों को सीखना होगा। आज भी हमारे यहाँ जुलूस निकालने पर बहस देखी जाती है कि 16 को है या 22 को है जुलूस, रैली तक ही क्या हमारी सोच महदूद हो चुकी है? माशरे में तब्दीलियां कुर्बानी के बिना रूनमा नहीं हो सकती। और सबसे अहम बात, मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है और नई नौजवान नस्ल तरबियत से दूर है। किसान एहतजाज ने एक तरह का सबक सिखाया है भारत की दिगर आवाम के साथ भाजपा मोदी सरकार को भी। आखिरकार किसानों के मुतालबे मानने पड़े, मुसलमानों में आसान रास्ता ढूंढने की आदत पड़ी हुई है। जैसे हमने कहा, मोबाइल पर बैठकर अपनी राय को किसी वेबसाइट के जरिए ऐप के जरिए पेश करना क्या काफी है? जहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम सरकारी एजेंसियां मरकजी हुकूमत के जेर मातियात खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ED CBI NIA SIT सभी, क्या भाजपा या इनका कोई IT सेल जिसमें हजारों नौजवान और खासकर RSS जो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है
अगर वो चाहे तो कितने बड़े पैमाने पर अपनी राय को दर्ज कर सकती है। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं कि जो हो रहा है उसे बंद किया जाए, लेकिन उनकी साजिशों को समझने की जरूरत है और हमें अपडेट होने की जरूरत है। बार बार आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजों की मालूमात वो चाहकर न चाहकर हम उन्हें आसानी से पहुंचाते रहते हैं। यकीनन अपनी राय वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए देनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से इसी पर भरोसा करके हम बैठ जाए कि हाँ हाँ अब फैसला हमारे ही हक में आने वाला है, ये इसे हिमाकत ही कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह का कोई कमीशन या कमेटी तश्कील दी जाती है, फिर मामले को अदालत के हवाले किया जाता है, फिर अदालत किसके हक में फैसले सुनाती है, ये तमाशा भी हमने देखा है। मतलब सिखों के किसान एहतजाज की तरह कुर्बानी का जज्बा जब तक नहीं आता आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। इतना जरूर हमारे यहाँ पर एक मीटिंग के बाद दूसरे मीटिंग में लोग जमा नहीं होते। जो पहले 15 आए हुए रहते हैं वो दूसरे मीटिंग में नहीं रहते। पहले मीटिंग वाले दूसरे मीटिंग को आने की बजाय तीसरे ही कोई आ जाता है। किसी की कैद के मातहत चलना नौजवान नहीं चाहता, अपनी मनमानी करके दबाव में फैसले बदले जाते हैं। ये तो महज एक शहर गाँव तक ये हालात है। अगर बड़े मामला जिसमें दीन पर आँच आ रही, क्या किसानों की तरह महीनों साल एहतजाज कर पाएंगे? क्या सिक्कों की तरह इस कौम में इत्तेहाद है? क्या जानों की कुर्बानी देने का जज्बा है? सिर्फ बयाने और बातें कहने से मामला या मसाइल हल नहीं होते। जब ईद की नमाज ही एक दूसरे के पीछे अदा नहीं कर पाते, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? लिहाजा अब भी वक्त है, सोच को बदलना होगा। रैली जुलूस डीजे से बाहर निकलकर मुल्की सतह पर इत्तेहाद की कोशिश होनी चाहिए, नजरिया वसी होना चाहिए। जैसे हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी थी कि जब एक मुसलमान के पाँव में कांटा चुभता है तो दूसरा मुसलमान उस दर्द को अपने दिल में महसूस करता है। जब मुसलमान एक सुराख से दो बार डसा नहीं जा सकता तो हम पिछले 70 सालों से रोजाना डसे जा रहे हैं। वक्फ कोई सरकारी मिल्कियत नहीं है, मुसलमानों की जाती मिल्कियत है और इसे सिर्फ मुसलमान ही अपने समाज की खातिर इस्तेमाल करेंगे। अब जेपीसी में या वक्फ बोर्ड तरमीम कमेटी में चेयरमैन भाजपा की एमपी जगदम्बिका पाल है और दिगर गैर मुस्लिम भी है। मुस्लिम समाज की जमीन की कमेटी में गैर मुस्लिम क्यों? क्या किसी राम मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जा सकता है? लिहाजा जो तरीका मुसलमानों की जानिब से इख्तियार किया जा रहा है बदलना होगा, ऐसा मुझे लगता है। दीनी या शरई मामलात में जब भी मुदाखलत होगी उसकी मुखालफत में किसानों की तरफ कुर्बानियां देनी होगी, तब जाकर आपका वजूद बाकी रह सकता है। वरना इस तरह दस्तखत मुहिम या अपनी सिर्फ घरों में बैठकर ऐप पर राय दर्ज करने से कुछ नहीं होता, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।